हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा घरौंडा की नई अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आढ़ती किसान और मजदूरों से बातचीत की। साथ ही हुड्डा ने मंडी में बिक्री के लिए आई धान की ढेरियों का जायजा भी लिया और किसानों से चर्चा की। हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्तमान सरकार को विफल सरकार करार दिया और कहा कि सरकार किसान विरोधी पॉलिसी से किसानों का दमन कर रही है। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से समाज का हर तबका परेशान है। हुड्डा ने कहा कि सरकार के फैसलों से प्रदेश का कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है। इसी तरह सेलर्स की बात है, जो सेलर्स की नई पॉलिसी बनाई है वो भी किसी के हित में नहीं है, ना किसान के हित में है ना सेलर के हित में। तो ये जो है जितनी ये पॉलिसी लेके आए हैं, जन विरोधी पॉलिसी लेके आए हैं, किसान विरोधी पॉलिसी लेके आए हैं, ये हम हरियाणा